Good morning. My name is Manas Ranjan from Enlightenment School. This video is about sleep. How to complete your sleep. How to sleep till 5 o'clock or 6 o'clock in the morning. क्या होता है, बहुत सारे लोग they wake up in the midnight around 2 o'clock, 3 o'clock for nature's call or due to dog barking on the streets or for a नॉइज़ इन द रूम, कुछ किसी के वजह से आपके आँख खुल गई, आप नींद टूट गया, तो दे फेस ए डिफिकल्टी अगेन एंटरिंग इन टू ए डीप स्लीप. तो उसके लिए एक टेक्निक है, कम्प्लीट योर स्लीप, 3-step टेक्निक है. इसको आप यूटिलाइज करेंगे विद इन 10 मिनट्स अगेन यू विल एंटर इन टू ए डीप स्लीप. आराम से सुबह के 6 बजे तक, 7 बजे तक सो सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, देर आर 3 steps. नंबर 1 रेचक शून्यक. नंबर 2 बाह्य, दैट इज कंसियस ब्रीदिंग. नंबर 3 मेडिटेशन, इसको बोलते हैं ध्यान, फोकसिंग ऑन योर कॉन्सियसनेस. मैं आपको बताता हूँ, खुद करके दिखाता हूँ, आप इसको कर सकते हैं. जैसे नंबर 1 स्टेप है रेचक शून्यक, दिस इज SOS. Only in emergency, if it is very much required, you can use it. You can go for this step. Step number 1. You say your mind is too much disturbed. कोई thought है जो बार बार आपके दिमाग में strike कर रहा है, that is again appearing again and again. And जैसे किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा काम के pressure है, अगले दिन कुछ बहुत बड़ा चीज करना है, या फिर कोई बुरा चीज yesterday, day before yesterday आपके साथ हो गया, वो चीज़ बार बार आपके दिमाग में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आपको बंद करना चाहता है, तो यू कैन गो फॉर स्टेप नंबर 1 रेचक शून्यक. वहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट एक्सहेल और सीज योर ब्रीथ, सांस को छोड़ दीजिए. उसके बाद दोबारा सांस मत लीजिए 30 सेकेंड्स तक या 60 सेकेंड्स तक. सांस लिया, देन स्टॉप ब्रीथिंग, सांस मत लीजिए. इससे क्या होगा, इफ योर ब्रेन डोंट गेट ऑक्सीजन इट्स फूड विल स्टॉप वर्किंग, विल स्टॉप थिंकिंग. अब करके देखिए, आप ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे, तो एकदम से आपके दिमाग ठंड सुन हो जाएगा, कोई भी सोच चाह कर भी सोच नहीं पाएगा. विल स्टॉप थिंकिंग, ऑल द रिफ्लेक्शंस विल स्टॉप अपियरिंग इन योर माइंड. ये है स्टेप नंबर 1 SOS. अगर जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना अपने प्रिस्क्रिप्शन पर SOS, अगर इमरजेंसी है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन ओनली गो फॉर इट, ओके, अदरवाइज यू कैन गो फॉर स्टेप नंबर 2 and 3. स्टेप नंबर 2 इज बाह्य, यू हैव गिवन इट अ नेम बाह्य. हियर यू हैव टू कॉन्शियसली ब्रीथ. बैठ के नहीं करना, जैसे आप बेड पे सो रहे हैं, सो के ही करना, जो आपके नॉर्मल स्लीपिंग पोस्चर है जिसमें आप कंफर्टेबली सो पाते हैं, जैसे इस साइड में एवरी ऐसे हाथ देख, जैसे भी आप सोते हैं कंफर्टेबली, उस तरह से आप सो जाइए और स्टेप नंबर 2 को करिए. कंसियसली ब्रीथ करिए, इनहेल एक्सहेल, सांस लीजिए लंबा सा, सांस छोड़िए लंबा सा, जैसे आप 20 बार 30 बार करिए. उसके बाद मेडिटेशन करिए सोते सोते. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस. हियर आपकी जो चित, आपकी जो कॉन्शियसनेस, जो सोल है, यहीं पर है जहाँ पर आप खुद को अनुभव कर रहे हैं. हमारे अलग से वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा, हाउ टू डू मेडिटेशन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मैं आपको बाद में बताऊँगा कभी अलग से वीडियो में. अभी इसको सीख जाइए. स्टेप नंबर 3 मेडिटेशन करिए, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के, जितना हो सके कंटिन्यूसली उसको करते रहिए. और जैसे ही आप मेडिटेट करेंगे, अपने सोल के साथ अपने चित्त को जोड़ देंगे, बहुत सारे थॉट्स उसके बीच में आएंगे, लॉट्स ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शंस विल अपीयर इन माइंड, बट डोंट कैरी अवे, डोंट गो अवे विद दोज थॉट्स, जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस, ओके. इसको आप रोटेशन बेसिस में करिए. स्टेप नंबर 2 कॉन्शियस ब्रीदिंग एंड फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस, एकदम से
5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा, अगेन एंटर इनटू अ डीप स्लीप। बस यू हैव शुड हैव फेथ एंड बिलीव इन दिस टेक्निक एंड कंटिन्यू इट। जैसे पहले आपने किया, दोबारा किया, नींद नहीं आया, तो आप 3 बार 4 बार रोटेशन, नंबर 2 नंबर 3 कंटिन्यूसली करते रहिए। 5 मिनट में 10 मिनट में नींद आ जाएगा। मैं खुद किया हूँ, आप भी करेंगे, आपको भी नींद आ जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।